देखिए जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा लोगों से यही अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त जो है बल तैनात किया है दूर। वही मैं कह रहा हूँ, अब पर्याप्त उन्हें भेजा होगा, लेकिन पहले जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है जो मैंने सुना है। जो ये मेवात से जो आपसी तनाव की पत्थरबाजी की जो खबरें आई हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी पीड़ादायक हैं। इस अवसर पे मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़कर यही आग्रह करता हूँ कि आपसी भाईचारा बिगड़ने ना दें, हर हालत में आपसी अमन चैन शांति और सद्भाव भाईचारा कायम रखें। प्रत्येक प्रदेशवासी से मैं इस अवसर पे यही सबसे अपील करता हूँ। अभी जो है हर हाल में आपसी अमन चैन भाईचारा सद्भाव बना रहे, मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो ये जो है इस पे आने वाले समय में जांच का विषय होगा कि ये हालात कैसे बिगड़े, वो बात हम एक बार जब शांति का माहौल बन जाएगा तब करेंगे। नूह, मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। हरियाणा को पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय हिंसा में धकेला था और वो आग वर्षों तक धधकती रही। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा को धार्मिक हिंसा के अंदर धकेला जा रहा है। बताइए क्या कारण है कि हमारे हरियाणा में, शांतिप्रिय हरियाणा में, 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। कहां है मुख्यमंत्री? कब मुख्यमंत्री आकर स्थिति को खुद संभालेंगे?